सब्सक्राइब करें अभिनव कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ फ्रॉम पटना जंक्शन टू पाटलिपुत्रा जंक्शन। ये एक तरह का शॉर्ट जर्नी है और मेरा ट्रेन है 15550 पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पटना जंक्शन से दोपहर के 3:30 बजे डिपार्ट करती है और जयनगर आपको रात के 9:50 में पहुँचा देती है। तो चलिए गाइस, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रही है। बिल्कुल राइट टाइम ये ट्रेन डिपार्ट की है, 3:30 बजे। अब देखना है कि ये पाटलिपुत्र जंक्शन हमें राइट टाइम पहुंचाती है कि नहीं, और ट्रेन को पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचाने का टाइम है 4:05। देखते हैं गाइज ये हमें पाटलिपुत्र जंक्शन राइट टाइम पहुंचाती है या नहीं। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे अपोजिट साइड में या कहे सामने वाले प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि पटना से जयनगर तक जाएगी, लेकिन ये ट्रेन वाया बड़ौनी जाएगी और हमारी ट्रेन जो है वाया मुजफ्फरपुर जंक्शन होते हुए जाएगी। फ्रेंड्स, वहाँ पर पटना कोटा एक्सप्रेस है जो कि अभी रेस्ट कर रही है। फ्रेंड्स, ये मैंने ये जर्नी है बहुत पहले किया था, इसलिए पटना कोटा एक्सप्रेस आपको ICF रेक का दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेन अब LHB रेक्स के साथ चलती है। गाइज, हमारी ट्रेन जो है अब स्पीड पकड़ना शुरू कर रही है। अभी ये इस ट्रेन को WDM-3A लोकोमोटिव होल्ड कर रही है। गाइज, अभी हम लोग स्किप कर ले सचिवालय हॉल, जो कि पटना जंक्शन से महज 2 किलोमीटर दूर है। ये इस स्टेशन पे अभी पैसेंजर्स बहुत कम है, वैसे यहाँ कोई भी ट्रेन जल्दी नहीं रुकती है, बस लोकल ट्रेन रुकती है। तो अभी हम लोग सचिवालय हॉल को स्किप कर रहे हैं। ट्रेन अभी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तक तो राइट टाइम चल रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। गाइज, सचिवालय हॉल के बगल में जो ये फ्लावर्स है बहुत सुंदर लग रहे हैं।
गैस इंडियन रेलवेज में जर्नी करने का यही मजा आता है यार, आपको नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरे हरियाली छाया हुआ है, बहुत सुंदर येलो येलो फ्लावर्स उगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ट्रेन हमारा आराम से अभी तो स्पीड थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा है, उतना भी एक्सेलरेट अभी तक नहीं किया है। अभी हम लोग चल रहे हैं आराम से बिना कोई सी टेंशन के। गाइज हमारे सामने ये ट्रेन है और ये ट्रेन है दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसे जमालपुर का WDN 3A या 3D लोकोमोटिव हॉल कर रही है। ये ट्रेन भागलपुर के साइड जाएगी, ये भी ट्रेन अच्छे स्पीड में है। गाइज अभी हम लोग धीरे धीरे स्पीड अपना, हम लोग का ट्रेन अभी स्पीड पकड़ा है और हम लोग फुलवारी शरीफ की तरफ चल रहे हैं। गाइज हमारी ट्रेन फुलवारी शरीफ को स्किप कर रही है और यहाँ एक लोकल ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है बक्सर पटना, जो कि बक्सर से आ रही और पटना को जाएगी। गाइज हम लोग पाटलिपुत्रा वाले ट्रैक पर आ चुके हैं, वहाँ रहे ट्रेन यहाँ से राइट कर रुलेगी पाटलिपुत्र पहुँचने के लिए। गाइज हमारी ट्रेन आराम से एकदम अच्छा स्पीड में राइट कर लेते हुए पाटलिपुत्रा के साइड इंटर कर रही है। यहाँ से पाटलिपुत्रा महज 5 मिनट से 4 मिनट का रास्ता होगा बाय रेलवे ट्रैक। अब बिल्कुल हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है इस ट्रेन को लेकर अभी, तो इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी अच्छा है। देखते हैं पाटलिपुत्र कब तक पहुंच रही है। ये कुछ लोकल एरियाज हैं पाटलिपुत्र के। Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all we can do, do. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Guys, अब हम लोग finally पाटलिपुत्र जंक्शन पे इंटर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई ट्रेन है, देखना होगा ये कौन सी ट्रेन है। हमारी ट्रेन आराम से अपना धीरे धीरे स्पीड में मेंटेन करते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन पे इंटर कर रहे हैं और ये शायद पाटलिपुत्र रक्सौल नरकटियागंज लिंक इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि 25201 और 15201 के रूप में चलती है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पाटलिपुत्र जंक्शन में उतरते हुए नहीं दिखाया क्योंकि पाटलिपुत्र जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे RPF के बहुत सारे लोग पुलिस ऑफिसर थे और ट्रेन में भी पुलिस ऑफिसर आ गए थे, सो सेफ्टी के कारण मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया था। इसलिए मैंने पाटलिपुत्रा प्लेटफॉर्म पे इंटर करते हुए ट्रेन को अच्छा तरीके से नहीं दिखाया, सो सॉरी फॉर दिस। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये जर्नी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।